वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक प्लॉट का टुकड़ा है और उसके दो तरफ रोड है, इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है, दोनों तरफ सड़क है, और इस प्लॉट के कितने हिस्से करने हैं हमको, तीन हिस्से करने हैं। तो इस प्लॉट के हम तीन हिस्से किस तरीके से कर सकते हैं, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी हम बंटवारा करते हैं, हमारा बंटवारा कई तरीकों से हो सकता है, जमीन का बंटवारा करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से बंटवारा हो, लेकिन हम बंटवारा इस तरीके से करते हैं कि भविष्य में किसी भी हिस्सेदार में कोई भी आपस में लड़ाई ना हो, ठीक है। तो बंटवारा करने के कई हिस्से, तो हमारी जमीन किस फॉर्म में है, तो देखिए हमारी जो जमीन है ना वो इस फॉर्म में है, इस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है, ठीक है। ये जो रोड है ये है 30 फिट का, ठीक, और ये वाला जो रोड है ये है 15 फिट का। अगर हम बंटवारा इस तरीके से कर दें, ठीक है, पहले हिस्सेदार का बंटवारा हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, लेकिन यहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इस वाले हिस्सेदार को तो फ्रंट में, यानी कि जो 30 फिट का रोड है, यहां पर सबको बराबर बराबर जमीन मिल गई, लेकिन जो तीसरा हिस्सेदार होगा उसके पास इधर भी रोड आ गया और इधर भी रोड आ गया, उसके बाद दो तरफ से सड़क आ गई, ठीक है। यानी कि इसकी जमीन की वैल्यू ज्यादा है बजाय इन दोनों के। अच्छा, यहां पर इस तरीके से बंटवारा ना करके अगर बंटवारा इस तरीके से कर दिया जाए, बराबर बराबर हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांट दिया जाए, ऐसे भी हम बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी ये परेशानी होगी कि भाई ठीक है बंटवारा हमने कर दिया, लेकिन यहां पर देखिए जो ये वाला हिस्सेदार होगा इसके पास रोड दोनों तरफ से आ जाएगा और इन दोनों हिस्सेदारों के लिए बड़ी नाइंसाफी होगी, ठीक है। इनको यहां पर रोड मिल पाएगा 15 फिट का वो भी, ठीक है, और इस वाले हिस्सेदार के पास 15 फिट का भी आ गया, पूरा 30 फिट का रोड आ जाएगा। और आगे भविष्य में जब हिस्सेदार बढ़ेंगे, आगे जब हिस्सेदार बढ़ जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ऐसा बंटवारा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, अगर आगे भविष्य में हिस्सेदार बढ़ गए तो इनको भी तो आगे फ्रंट देना पड़ेगा, तो यहां पर बिल्कुल लंबे लंबे प्लॉट हो जाएंगे, बहुत भद्दे लगेंगे, तो बंटवारा ऐसे भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरीका और है, अगर हम इस तरीके से करें, जैसे यहां पर इन तीनों को दे दें बराबर बराबर, फ्रंट से 30 फिट के रोड पे बराबर बराबर जगह आ गई, पहले हिस्सेदार पे, दूसरे हिस्सेदार पे और तीसरे हिस्सेदार पे, और ये वाला जो रोड है यहां पर आगे तीन हिस्से कर दें, ठीक, ऐसे भी बंटवारा हो सकता है, ठीक। लेकिन आप जरा देखिए ध्यान से कि जो भाई इस वाले हिस्सेदार के पास कोई ना कोई तो यहां पर जगह आएगी, तो ये क्या करेगा, यहां पर अगर दीवार ना बनाकर ये इस तरीके से, ये तो मजे में रहेगा भाई, यहां पर इसको ये भी कॉर्नर मिल गया, ये भी मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया इसके लिए। ऊपर जब ये डबल स्टोरी बनाएगा तो इसके लिए फायदे का सौदा है, ठीक। या बीच में से भी इसके पास जमीन ऐसे ना आके अगर मान लो बीच में से आ जाए तब भी ये फायदे में रहेगा, ये वाला हिस्सेदार, ठीक। अच्छा, अब बारी है कि ये जो तीनों हिस्सेदार हैं वो ये बोल रहे हैं अगर हम ऐसे बंटवारा करें जैसे हमने सबसे पहले किया था, ऐसे बंटवारा कर दें, ये 15 फिट का रोड है, ये 30 फिट का है, ठीक है, हम सीधा सीधा ऐसे बंटवारा कर देते हैं इसका। अब क्या दिक्कत है भाई, 15 फिट का रोड यहां है, 30 फिट का यहां है, ये वाला जो हिस्सेदार है अपनी गाड़ी, इसको यहां पर तो रोड मिल जाएगा बड़े आराम से, अपनी गाड़ी भी बड़ी आराम से खड़ी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखिए, अगर लड़ना नहीं चाहेगा कोई साहिदा तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी, अगर जहां पर उसे लड़ाई निकालनी है वो लड़ाई निकाल लेगा, ठीक है। इन दोनों को क्या चाहिए कि ये यहां से आके यहां पर अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़के भाई को यहां पर दे दो, मछली भैया को यहां पर, और छुटके भैया को यहां पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब भी होगी भाई, इस तरीके के बंटवारे जो कि सही नहीं माने जाएंगे, तो हम एक ऐसा बंटवारा करें
कि लड़ाई भी ना हो और आगे कभी हमारे हिस्सेदार बढ़ते हैं भाई, इस वाले हिस्सेदार, इस वाले हिस्सेदार, इस वाले हिस्सेदार के आगे भी हिस्सेदार होंगे, आगे अगर इनके बच्चे हैं, मान लीजिए इनके दो बच्चे हैं, इनके तीन हैं, इनके चार हैं, अगर आगे इनके हिस्सेदार होते हैं तो इनको आगे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जमीन का जो बंटवारा करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि रोड इसके पास है, रोड इधर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये हम ना इसको इस तरीके से कर लेंगे ऐसे और ऐसे, और बीच में से हम एक रोड निकाल देते हैं 15 फिट का। यहां पर हम 15 फिट का रोड निकाल देते हैं, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा, ठीक। इस वाले हिस्सेदार की जमीन की पीठ है यहां से लग जाएगी और इसका फ्रंट यहां से आ जाएगा, इसका फ्रंट यहां से भी आ जाएगा और फ्रंट में सबको जगह भी बराबर बराबर मिल जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, सपोज दैट भाई इसके पास भी कॉर्नर की जगह आ गई, इसके पास भी कॉर्नर की जगह आ गई, इसके पास भी, और सभी साझेदारों के पास बराबर बराबर जमीन बड़े आसानी से आ जाएगी। आगे भविष्य में जब ये डबल स्टोरी घर बनाते हैं या अपना छज्जा निकालते हैं, देखिए यहां पर भी ये अपना 3 फिट का छज्जा निकाल देगा, ये भी अपना 3 फिट का यहां पर छज्जा निकल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके घर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। यहां पर भी आगे निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकता है और ये यहां पर भी निकल सकता है। तो ये तो हो गया लड़ाई बचाने का तरीका, ठीक है, बड़े आसानी से सीधा सीधा बंटवारा कर सकते हैं। अब इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए इन प्लॉटों का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए इन प्लॉटों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जब तक हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता होगी हम इनका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए इस प्लॉट की यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है, 90 फिट, यहां से यहां तक 90 फिट की लंबाई है ना, 15 फिट का बीच में से रोड की लंबाई यानी कि चौड़ाई निकल गई, तो यहां से यहां तक अब लंबाई कितनी रह गई, 75 फिट, ठीक है भाई। 90 में से हमने 15 को तो घटा ही दिया, तो यहां पर क्या बचा, 75 फिट रह गई इस प्लॉट की लंबाई, ठीक है। अगर उस लंबाई के हम 3 हिस्से करें तो यहां पर कितनी लंबाई आ जाएगी, 25 फिट यहां पर, 25 फिट यहां पर और 25 फिट यहां पर आ जाएगी, 25 25 25, ठीक। अच्छा चौड़ाई सेम रहेगी, 45 इसकी रहेगी, 45 इसकी रहेगी, 45 इसकी रहेगी, भाई चौड़ाई में तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा 15 फिट ये वाली सड़क थी, 15 फिट इसकी चौड़ाई, तो हमने बीच में इनको 15 फिट का ही रास्ता दिया है, ठीक है। दोनों भाई अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आगे छज्जा भी निकाल सकते हैं बीच में, और आगे कभी इनके साझेदार बढ़ते हैं तो यहां पर उनको वो हिस्सा भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे साझेदार जब बढ़ते हैं, इनके कोई, मान लीजिए इनके 3 बच्चे हैं, तो आगे जब ये इसके 3 बंटवारे करेंगे, 3 हिस्से करेंगे, बड़े आसानी से सीधे सीधे हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी हो जाए, यहां पर भी हो जाए, कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। कितनी आई प्रत्येक भाई के पास, यहां पर लंबाई कितनी आई प्लॉट की, 25 फिट, और यहां पर कितनी आ गई, 45 फिट, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले हिस्सेदार का, दूसरे हिस्सेदार का और तीसरे हिस्सेदार का, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्लॉटों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे समझते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे पहले प्लॉट का क्षेत्रफल, पहले प्लॉट का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा लंबाई कितनी है, अब हमारे प्लॉट की लंबाई ये काउंट की जाएगी, ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, 45 फिट, चौड़ाई कितनी है, 25 फिट, गुणा करा देते हैं, 25 पंजे 125, 12 आ गया, 25 चौक 100, 100 और 12 112, तो यहां पर हमारा आ जाता है 1125 वर्ग फुट, यह आ गया पहले प्लॉट का क्षेत्रफल। अच्छा दूसरे प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे प्लॉट का क्षेत्रफल भी सेम होगा भाई, पहले प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 1125 वर्ग फिट, दूसरे का भी सेम होगा 1125 वर्ग फिट, भाई तीनों को जहां बराबर बांटिए ना हमने,
और तीसरे का भी क्या होगा 1125 यानी कि 1125 वर्ग फीट। ठीक। अच्छा अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं कि यहां पर हमने जो ये बंटवारा किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। अच्छा रोड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। रोड का, रोड का कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख लेते हैं रोड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही रहेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे रोड की 45 फीट और चौड़ाई कितनी दी है हमने रोड को 15 फीट। 15 पंजे 75, 7 आ गया आंसर। 15 चौक 60, 60 और 7 67, 675 वर्ग फुट। यह आ गई हमारे रोड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। यह आ गया पहले प्लॉट का क्षेत्रफल, यह आ गया रोड का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा अब हम निकालते हैं कंप्लीट क्षेत्रफल कितना होगा, इस प्लॉट का कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। इधर लिख लेंगे रोड सहित, यानी कि जो बीच वाला रोड है उस सहित पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है। रोड सहित पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है, इस प्लॉट की लंबाई थी। रोड को भी अगर हम काउंट कर लेते हैं, रोड सहित ना रोड को यहां से काउंट कर लेते हैं, बीच में से जो हमने रोड दिया है इनको, यहां से यहां तक कितनी है 90 फिट, 90 गुणा चौड़ाई 45। गुणा कर लेते हैं, जीरो का जीरो हो जाएगा, 9 पंजे 45, 4 आ गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 4050 वर्ग फुट। 4050 वर्ग फिट आ गया पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा एक भाई के पास जो क्षेत्रफल आया था प्लॉट का, वो आया था 1125। अगर हम 1125 का गुणा कर दें 3 से, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3375 तीनों प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया अलग अलग। ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, कितना आया 3375। और रोड का भी क्षेत्रफल, भाई रोड का भी तो जोड़ेंगे इसमें, रोड का कितना निकाला था हमने 675, जोड़ देते हैं, टोटल कर लेते हैं कितना आया, इसके बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। 5 और 5 10, एक हासिल लगा 15 10, तो ये भी हो गया देखिए 4050 वर्ग फुट। ठीक। तो यहां पर हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, जिस तरीके से हमने बंटवारा किया हमने आंसर को वेरीफाई भी कर दिया। तो देखिए इस तरीके से अगर आप बंटवारा करेंगे तो भविष्य में आगे साझेदार बढ़ेंगे तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी और यहां पर तो बंटवारा आसानी से हो जाएगा। भाई इस वाले भाई के पास यहां पर रोड है, यहां पर यूज करेगा रोड का, तो इन दोनों भाई के पास यहां पर भी ये रोड का यूज कर पाएंगे। ठीक। और यहां पर तो इनको फ्रंट में जगह बराबर बराबर मिल जाएगी। अच्छा इस प्लॉट का बंटवारा हम इस तरीके से नहीं कर सकते थे, उसका कारण है कि हमेशा जब भी आप फ्रंट से बंटवारा करेंगे, हमेशा जो बड़ी रोड होगी, जो चौड़ी होगी, आप वहां से फ्रंट को बांटेंगे। ठीक है। भाई रोड ये 15 फिट का है, यहां से आप नहीं बंटवारा कर सकते। ठीक है। छोटा है रोड, पर यहां से ये रोड चौड़ा है, यहां पर ये ज्यादा वैल्यू होगी इस रोड की, उसकी कम होगी। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।